अपने पति को जल्दी जेल से निकलवाने के लिए एक लड़की पैरोल ऑफिसर को रिझाने की कोशिश कर दिया। अब आगे क्या होगा ये हम आज के हमारी मूवी स्टोन 2010 की एक थ्रिलर क्राइम मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं। वाइफ का नाम था मैडलिन और हस्बैंड का नाम था जैक। जैक इस मैरिज में इतना अटेंटिव नहीं था। मैडलिन को इस सब से घुटन होने लग गई थी। वो जैक के साथ अब रह नहीं सकती थी। वो एक दिन अपनी बेटी को ऊपर सुलाकर नीचे आई और उसे कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बात पर जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ऊपर गया और अपनी बेटी को खिड़की से बाहर फेंकने लग गया। वो मैडलिन से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ कर गए तो हमारी बेटी को मैं मार डालूंगा। मैडलिन ने डर कर कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब इसी तरीके से प्रेशर में रहते हुए मैडलिन ने बहुत सारे साल गुजार दिया। जैक और मैडलिन अब दोनों बूढ़े हो गए थे। इनकी बेटी की भी शादी हो गई थी। हम इन दोनों को चर्च में देखते हैं। ये दोनों घर पर आए फिर भी हम जैक को इमोशनली अब्सेंट ही देखते हैं। एक रात जैक को कॉल आता है और उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी। उसने फ्यूनरल पर कहा मेरा ब्रदर बहुत अच्छा था, मैं आज जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ मेरे ब्रदर की वजह से। इसके बाद हमें जैक का जॉब दिखाया जाता है। वो एक प्रिजन में पैरोल ऑफिसर का काम करता है। जो भी प्रिजनर्स ने अपने सेंटेंस के 70-80% टाइम निकाल दिया है उन्हें पैरोल असाइन की जाती है, मतलब वो जेल से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। अब क्या वो प्रिजनर्स इसके लायक है ये डिटरमाइन करने का काम ये जैक का होता है। आज जैक को जेलर ने अपने पास बुलाया। जैक की एज हो गई थी और अब वो रिटायर होने वाला था, तो सारे केस अब जैनिस के पास जाने वाले थे। जैक ने कहा कि मेरे पास जो करंट केस है इन्हें मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। इस बात के लिए उसका जेलर मान जाता है। आज जैक के पास एक कैदी आया जिसे खुद को स्टोन बोलना अच्छा लगता था। उसका नाम कुछ अलग था। जैक खुद से कहने लग गया कि अब मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। मेरे वाइफ ने मेरे लिए जॉब वगैरह सब कुछ लाइनअप करके रखा है। एक बार मैं जेल से बाहर निकल गया तो फिर से क्राइम नहीं करूंगा। जैक स्टोन के साथ फिर से क्राइम के बारे में बात करना चाहता था, पर स्टोन ने कहा कि वो बहुत सालों पहले हुआ था, अब वो फिर से इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो जैक से कहता है कि तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझे कभी भी पैरोल पर नहीं छोड़ोगे, तो इस वजह से वो हताश होकर जाने लग गया। जैक ने कहा कि अगर तुम गए तो फिर से तुम्हारे 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे। स्टोन फिर जैक के साथ बात करने लगता है। जैक स्टोन के साथ किसी भी चीज को लेकर बात करने के लिए रेडी था, तो उसकी वाइफ के बारे में वो बात करने लगते हैं। स्टोन ने कहा मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। स्टोन ने पूछा तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है। जैक ने कहा कि हम 40 साल से एक साथ हैं। स्टोन वंडर करता है क्या इतने सालों बाद भी हस्बैंड वाइफ में प्यार बस सकता है। ये बात जैक को अच्छी नहीं लगती और इस पर वो बात करना बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जब घर पर जा रहा था तो ड्रिंक अपने साथ लेकर जाता है। मैडलिन अलग अलग चीज़ों को लेकर बात कर रही थी, पर जैक अपने ही वर्ल्ड में गुम था। उसे कुछ भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। मैडलिन पहले तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से जैक के साथ रही थी। जैक ने उस पर चीट भी किया था, पर फिर भी मैडलिन ने अपने बेटी के लिए उसे माफ़ कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम स्टोन और जैक को फिर से बात करता देख सकते हैं। स्टोन ने जैक से कहा कि जब मैं जेल में था तब मैंने बहुत सारी टेस्ट वगैरह ये सब ली है, मेरा एजुकेशन मैंने कम्प्लीट किया है, मैं पूरी तरीके से अब बदल चुका हूँ। जैक ने कहा कि तुमने अपने कजन्स के साथ मिलकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मार डाला था, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। स्टोन ने कहा कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मेरे कजन ऐसा कुछ करने वाले हैं, इस वजह से मैं पहले ही घर से बाहर निकल गया था। मुझे तो मर्डर के बारे में पता भी नहीं था, इसके बारे में मेरे कजन ने टेस्टिमोनी दी थी तो इस वजह से मुझे कम सजा हुई। जैक ने कहा कि तुम्हें अपने कजन्स को रोकना चाहिए था। इसी मोमेंट पर इनकी बातचीत खत्म हो जाती है। इसके बाद हम स्टोन की वाइफ लुसेटा को देखते हैं। लुसेटा एक टीचर थी। लुसेटा जैक के साथ बात करना चाहती थी तो घर पर कॉल लगाती है, पर एक कॉल मैडलिन ने उठा लिया। मैडलिन ने कहा कि जैक अब घर पर नहीं है। ये करने के लिए स्टोन ने लुसेटा को कहा था। स्टोन कहता है कि तुम्हें जैक के साथ बात कर मुझे यहाँ से निकलवाने के लिए हेल्प करनी पड़ेगी, तुम उसे बात करो और समझाओ। लुसेटा बहुत बार जैक को कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर उससे कुछ भी हो नहीं रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्टोन और जैक जब बात कर रहे थे तो स्टोन जैक पर गुस्सा हो गया। वो कहता है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं यहाँ पर रहूंगा और तुम बाहर खुले घूमोगे। जैक कहता है कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया। स्टोन ने कहा कि तुमने कुछ ना कुछ तो गलत चीज की ही होगी, अपनी लाइफ में शायद तुमने ट्रैफिक के रूल तोड़े होगे, अपनी वाइफ को हर्ट किया होगा, तुम मुझे इस तरीके से जज नहीं कर सकते। अब 7-8 साल हो चुके हैं, अब मैं बाहर जाना डिजर्व करता हूँ। जैक स्टोन की बात मानता नहीं। नेक्स्ट सीन में लुसेटा स्टोन से मिलने के लिए आई हुई थी। एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं पर प्रिजन गार्ड इन्हें रोक लेता है। स्टोन ने लुसेटा से कहा कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता,
अगर मुझे और 3-4 साल यहाँ पर बिताने पड़े तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लुसिंडा ने कहा कि ऐसा कुछ भी मत करना। इस मीटिंग के दौरान स्टोन एक बाइबल देखता है। उसे लगा कि शायद गॉड पर उसे बिलीव करना चाहिए। वो लाइब्रेरी में गया और अलग अलग बुक उसने देखी और उसमें से एक बुक को उठा लेता है। रात में लुसिंडा ने जैक को फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर उसका कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता। वो जरा बोर हो गई थी तो पार्टी करने के लिए चली जाती है और वहां पर एक आदमी के साथ इंटीमेट हो गई। अगले दिन डायरेक्टली वो जैक से जेल के बाहर मिली। वो कहती कि मैं आपके साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ। जैक ने कहा कि मैं स्टोन का केस संभाल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता। लुसिंडा ने जैक के लिए बर्ड का एक नेस्ट लाया था, उसे देना चाहती थी और वो मान नहीं रही थी, तो जैक ने ले लिया। जब वो अंदर आया तो स्टोन से बात करता है, कहता है कि लुसिंडा ये सब कर क्या रही है। ये नेस्ट उसने फेंक दिया। स्टोन कहता है कि मैंने लुसिंडा को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। उसके मन में जो आता है वही चीज वो करती है। वो बहुत ही अजीब है, तुम उसे फिगर आउट नहीं कर सकते। स्टोन ने अभी अभी रिलीजियस बुक में जो भी पढ़ा था इसके बारे में वो जैक से बात करता है। उसने कहा कि आप लाइफ में जो भी करते हो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जैक स्टोन से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ पे कर दिया है? स्टोन ने कहा कि मुझे अब तक पता नहीं है। इसके बाद हम जैक को चर्च में देखते हैं। वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। उसने चर्च के फादर से बात की, कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों को मुझे मार डालना चाहिए। फादर ने कहा कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते, इस सब के पीछे का मीनिंग अब तक तुम्हें पता नहीं है, पर बाद में क्लियर हो जाएगा। एक दिन लुसिंडा ने जैक को घर पर कॉल किया। जैक ये कॉल उठा लेता है तो लुसिंडा कहती है, मेरे हस्बैंड को जेल से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके साथ डर्टी टॉक करने लग गए। जैक इस बात से नर्वस हो गया था। उसे मिलने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट दिन में लुसिंडा जब स्टोन से मिलने के लिए आई हुई थी तो स्टोन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब था। वो कहता है कि मुझे अजीब अजीब सपने भी आने लग गए हैं। वो रो रहा था। लुसिंडा ने कहा कि शायद तुमने कुछ अनहेल्दी खाया होगा, इसी वजह से यह सब हुआ। वो इस तरीके से नेचुरल चीजों में बिलीव करती थी। इसके बाद हम जैक और उसकी मीटिंग देखते हैं। जैक ने अपना दिल लुसिंडा के पास हल्का किया, कहा कि मेरी डॉटर का डिवोर्स होने वाला है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैक को बैक पेन था तो ये बात लुसिंडा नोटिस करती है। लुसिंडा ने कहा, मेरे पास कुछ मैग्नेट्स हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, ये खुद को हील करने का एक नेचुरल उपाय है। रात में जैक लुसिंडा के पास वो मैग्नेट लेने के लिए पहुंच गया और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं स्टोन ने खुद के लिए सॉलिटरी डिमांड की थी। इसी सॉलिटरी में एक आदमी का मर्डर होता हुआ देख लेता है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। स्टोन को अलग अलग चीजों में मीनिंग दिखने लग गया था। इसी के पैरेलल में जैक और लुसिंडा का अफेयर कंटिन्यू होता है। जैक ने लुसिंडा से कहा कि हम जो भी कर रहे हैं इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लुसिंडा ने कहा कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में लुसिंडा और स्टोन जब जेल में मिले तो स्टोन अजीबोगरीब बातें कर रहा था कि स्काई अगर है तो चलता ही क्यों रहता है। लुसिंडा कहती कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। जैक ने ऑलरेडी तुम्हारी फाइल्स वगैरह आगे बढ़ा दी है। नेक्स्ट सीन में जैक और स्टोन एक दूसरे से मिले तो स्टोन सब रिलीजियस बातें कर रहा था। जैक ने कहा कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, ये सारा तुम्हारा प्ले ड्रॉप कर दो। मैंने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों को देखा है, हम उन्हें छोड़ देते हैं पर वो फिर से इसी जेल में वापस आ जाते हैं, उन्होंने फिर से भयंकर क्राइम किया होता है। रात में जैक लुसिंडा के पास आया। उसे पूछता है, स्टोन जो भी बात कर रहा था क्या वो सचमुच में उन सब चीजों पर बिलीव करता है? क्या उसने ही तुम्हें मेरे पास आने के लिए कहा था? लुसिंडा ने कहा कि मैं वही चीज करती हूँ जो मेरा मन करता है। तुम्हारे साथ अफेयर मैंने मर्जी से किया था। जैक को लुसिंडा के साथ ये अफेयर गलत लगता है तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास फिर से नहीं आऊंगा। लुसिंडा इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में स्टोन और जैक जब फिर से मिले तो स्टोन ने अपने क्राइम को कन्फेस कर दिया। उसने कहा कि मेरे कजन्स ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया था पर उसके बाद घर को जलाने का आइडिया मेरा था। मैंने जो भी किया इस बात के लिए मैं अब भी रिग्रेट नहीं करता। जो भी होता है ये एक पार्ट ऑफ द प्लान है। ये सब कुछ चीजें उसने रिलीजियस बुक से सीखी थी। एक रात जब जैक और मैडलिन बैठे हुए थे तो लुसिंडा डायरेक्टली उसके घर पर आके वो कहती कि बहुत दिनों से तुम मेरे पास नहीं आए और स्टोन भी जेल से बाहर नहीं निकल रहा है, मेरे हस्बैंड को तुम इस तरीके से तकलीफ क्यों दे रहे हो? जैक ने रियलाइज किया था कि स्टोन को प्रिजन से बाहर निकलना एक गलती होगा। ये वो जेलर से बात करने के लिए जाता है पर जैक ने ऑलरेडी अपनी फाइल्स आगे बढ़ा दी थी तो जेलर ने उसे कहा कि अगर तुम अपने स्टेटमेंट से मुकर जाओगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, अब तुम रिटायर होने वाले हो। इसके बाद स्टोन की हियरिंग होती है, उसे छोड़ दिया जाता है। स्टोन लास्ट टाइम जैक से मिलने के लिए आया। उसे कहता है, तुम किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करते और ये तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है। एक दिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ आएगा जिससे तुम बच नहीं पाओगे, जरा अपने आप का ख्याल रखना। ये एक तरीके से उसे धमकी थी।
उसे ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे और लुसेटा के बारे में पता है, अगर किसी और को इसके बारे में पता चला तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। रात में जैक बहुत ही टेंशन में था, वो अपने पास ही गन रखता है। वो लेट नाइट जब सोने के लिए ऊपर गया तो नीचे उसके घर में आग लग जाती है। स्टोन ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी आग लगाकर ही मारा था, तो उसने ही आग लगाई थी। जैक जल्दी से मैडलिन को लेकर नीचे आ गया। वो मैडलिन से कहता है कि अब मैं स्टोन को छोड़ूंगा नहीं। मैडलिन ने कहा कि अब इन सब चीजों में हमें नहीं घुसना है। वो जैक की सब बातों से तंग आ गई थी। वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर अपनी डॉटर के पास चली गई। डॉटर कहती कि मुझे सब याद है कि फादर आपके साथ क्या करते थे, आपने उन्हें छोड़ने का डिसीजन ये बहुत ही लेट लिया। रात में जैक अपने कोवर्कर के साथ था, जिस लेडी को उसका जॉब मिला था उसके साथ वो फ्लर्ट करने लग जाता है। जैनिस ने उसे मना किया तो जैक इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, उसे भला बुरा बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो डायरेक्टली स्टोन के पास आया, स्टोन को गन लगाता है, कहता है तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। स्टोन ने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हें वो गट्स नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और जैक सचमुच में कुछ कर नहीं पाया। उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी, उसका जॉब चला गया, उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई थी। स्टोन और लुसेटा एक दूसरे के साथ खुश थे और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।